नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। ताई खबर के शुरुआत किल जाए। महंगाई के बोझ के सामना करे वाला आम जनता खाती एगो खुशखबरी बा। रक्षाबंधन के मौका पर मोदी सरकार सस्ता LPG सिलेंडर गिफ्ट कैले बड़े। 3 राज्य में चुनाव से पहले मोदी सरकार गरीबन के बाढ़ तोहफा देले बाड़े। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियन के LPG सिलेंडर पर 200 रुपया के सब्सिडी दिहल जा रहल बा। मंत्रिमंडल एह फैसला के मंजूरी दे दिहले बा। मतलब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियन के अब गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता मिल जाई। अगला कुछ महीना में राजस्थान, मध्य प्रदेश अवरी छत्तीसगढ़ के संगे संगे तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। देश में 14.2 किलो के LPG सिलेंडर के दर में आखिरी बदलाव 1 मार्च 2023 के भयल रहे। ओकरा बाद सिलेंडर के दाम 50 रुपया बढ़ावल गई। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो के LPG सिलेंडर के दाम 1,103 रुपया बा। 1 अगस्त के 19.2 किलो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव भइल। एकरा दाम में 100 रुपया के कटौती भइल। फिलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के पहले ही से 200 रुपया सब्सिडी के रूप में मिलता, लेकिन अब 200 रुपया अवूरी कटौती हो गई बा। इस तरह से अब ओह लोग के खाता में 400 रुपया के सब्सिडी आई। वर्तमान में देश में एक सिलेंडर के दाम करीब 1100 रुपया बा। जवना में दावा कैल गईल बा कि बहुत महिला लगातार रिफिल नहीं खींच पावत। ओह लोग के बड़ राहत देत सरकार 200 रुपया के सब्सिडी बढ़ा दिहले बाड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदुत्व पर हमला जारी बा। समाजवादी पार्टी के राजनीति में तोड़फोड़ करे पर तुलल स्वामी प्रसाद के बयान पर एगो नया रंग और रोवाई बा। मामला इतना बढ़ गईल बा कि संत और दृष्टा सीधे अखिलेश के लगे स्वामी के शिकायत करे खातिर पहुंच रहल बाड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहल बाड़े, और शायद एह इरादा से कि OBC और दलित के वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर झूल जाई। लेकिन भाजपा खातिर इबा कि ई अपना पिच पर खेल खेलला निमन बा। स्वामी जब बयान देवेले तब भाजपा के ओर से बयान के उछाल आवेला। स्वामी प्रसाद के बयानबाजी जारी बा और भाजपा के उनका बयान पर हमला। लेकिन अखिलेश अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के लेखे सख्त नईखन भइल। शायद एकरा पीछे समाजवादी पार्टी के कुछ सोचल संभल रणनीति बा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिल दहला देने वाला घटना घटल। यहाँ 10वीं कक्षा के छात्र के सार्वजनिक तौर पर हत्या कर दिहल गईल। दरअसल 10 क्लास के एगो छात्र के अपना स्कूल में कुछ लोग से झगड़ा भइल। झगड़ा करे वाला छात्र दूसरा समुदाय के रहले। झगड़ा ओहिजा शांत हो गईल, लेकिन तनाव इतने ना रुकल। जब विद्यार्थी घरे लवटत रहे, आरोपी छात्र उनका बहिन से छेड़छाड़ कैले। भाई इतना मारपीट के विरोध कैले कि उनुकर मौत हो गईल। घटना के खबर जब जनता तक पहुंचल तो उनुकर गुस्सा बेकाबू हो गईल। ए मामला में 4 युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भइल बा। 3 आरोपी के हिरासत में लिहल गईल बा। पुलिस जांच कर रहल बिया। उह बात के पुष्टि नइखे करत कि हत्या छेड़छाड़ के विरोध में भइल बा, लेकिन ए घटना से एक बेर फेर धार्मिक सौहार्द के सवाल उठ गईल बा। पुलिस के कहनाम बा कि स्कूल में विवाद के चलते छात्रा पर हमला करके ओकर मौत हो गईल बा। आई बात किल जाओ बिहार के, जहां हजारों लोग बाढ़ से परेशान बा। बिहार के ऐसन बहुत जिला बा जहां बाढ़ से तबाही मच गईल बा। लोग के घर में पानी घुस गईल बा, अवूरी लोग घर से बाहर निकले पर मजबूर बाड़े। बिहार में कोसी नदी ए समय खतरा के निशान से ऊपर पहुंच गईल बा। अवूरी हजारों लोग खतरा में बाड़े। सहरसा के हालत सबसे खराब बा, कोसी नदी के बढ़त पानी के चलते। अब राहत मिले के उम्मीद भी पानी में डूब रहल बा। सहरसा जिला के महिषी प्रखंड के अंतर्गत आवे वाला वीरगांव पूरा तरह से बाढ़ से घेरल बा, और पछिला एक हफ्ता से यह स्थिति बा। गांव में चारों ओर से बाढ़ हो गईल बा। घर के भीतर 2 फीट पानी भर गईल बा। जवना के चलते यहाँ के लोग के कोने ना कोनो तरीका से 24 घंटा पानी में बितावे के पड़ता। कोसी नदी के पानी के स्तर बढ़ला के चलते बिहार में बाढ़ के खतरा बढ़ रहल बा। बाढ़ प्रभावित इलाका में करीब 10 लाख लोग फसल बाड़े। बाढ़ के पानी 4.14 लाख क्यूसेक के दर से बह रहल बा, जवन अब तक के सबसे ज्यादा बा। जबकि सुपौल में कोसी 33 साल के रिकॉर्ड टूट देले बा। यहाँ ई नदी ऐसन तबाही पैदा करत जो पहले कबो ना देखल गिल रहे। असल में नेपाल में भइल भारी बरखा के चलते कोसी नदी के उग्र रूप लुकत बा। पाकिस्तान के जनता रोटी के टुकड़ा खातिर तरस सकेले, लेकिन पाकिस्तान के घोटालाबाज सलाख के पीछे मस्ती करेले।
तोशाखाना मामला में जेल के सजा काटत इमरान खान के अटॉक जेल में बंद कैदियन खातिर 5-स्टार सुविधा दिहल जा रहल बा। पाकिस्तान सरकार के ओर से कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दिहल रिपोर्ट में पता चलल बा कि इमरान खान जेल के भीतर देसी घी में पकावल मांस मटन मुर्गी उड़ावत बाड़े। जब से इमरान खान जेल गईले तब से उनकर पत्नी बुशरा औरी पार्टी के लोग के शिकायत रहे कि इमरान खान के एगो गंदा और छोट कोठरी में रखल गईल बा जवना में कवनो बुनियादी सुविधा ना रहे। रिपोर्ट से पता चलल बा कि इमरान खान के कोठरी में भी मॉडिफिकेशन हो चुकल बा। पाकिस्तान के दरबार में ई खुलासा तब भइल बा जब इमरान खान के पत्नी बुशरा अदालत में शिकायत कैली कि इमरान खान के जेल में ठीक से खाना नहीं खे मिलत अवरी उ कमजोर हो गईल बाड़े। जब रिपोर्ट आइल तो पता चलल कि इमरान खान के ना सिर्फ खाए रहे अवरी घूमे के सुविधा मिलल बा। बालुक जेल में उनुका के शहद से लेके इत्र तक के बेहतरीन प्रकार के खजूर के इंतजाम कैल जाता। इतने ना जेल में इमरान खान अवरी गुप्त रूप से बेचे के अपराध करे वाला दोषी के सेवा में नौकर, धोबी, झाड़ू, 5 डॉक्टर समेत 8-9 लोग के टीम 24 घंटा तैनात बा। सरकारी खजाना के माल के जेल में सुविधा मिल रहल बा। करले बानी पाकिस्तान के यही तोशाखाना मामला में इमरान खान के पत्नी बुशरा पर भी दबाव डाले के तैयारी भइल बा। अब तक बुशरा से 13 बेर पूछताछ खाती बोलावल गईल बा। पूरा मामला पाकिस्तान के सरकारी खजाना के सामान बेचे के बा जवना में इमरान खान के पीएम रहला पर विदेश में जवन उपहार मिलल रहे। इमरान अवुरी बुशरा मिलके करीब 2 करोड़ में खरीद के करीब 6 करोड़ में बेच देले जबकि बिकायल कीमती सामान के लागत 20 करोड़ से अधिका रहे। तई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गेल। हमनी के ई कंटेंट किसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल है फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।